हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। ते अज वीडियो हैगी आ इंश्योरेंस बारे कि तुसीं जिहड़ा सस्ता इंश्योरेंस आ, जे शेनगन वीज़ा अप्लाई करना वा या शेनगन तों अलावा जे तुसीं मालडोवा जाणा वा, एरगो वीज़ा हैगा, जां तुसीं वीज़ा अप्लाई करना जां अलबानिया जाणा वा, जां फिर किसी भी कंट्री का तुसीं वीज़ा अप्लाई करना, यूरोप दे विच ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, किसी भी कंट्री का, हंगरी का तुसीं वीज़ा अप्लाई करना वा, ते सस्ता जिहड़ा इंश्योरेंस आ, हेल्थ इंश्योरेंस जिहड़ा हुंदा, ट्रैवल इंश्योरेंस जिहड़ा हुंदा वा, उह तुसीं किदां कर सकदे आ, ते वो मैं तुहानूं दस दिंदा। क्योंकि मोस्टली जिहड़ा वीज़ा अप्लाई करना हुंदा 1 महीने का ही करना हुंदा, मतलब तुहाडे कोल 1 महीने का इंश्योरेंस होना चाहीदा वा। जे तुसीं रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस तों जे वीज़ा अप्लाई करदे आ, सस्ता जिहा इंश्योरेंस आ। जे तुसीं रोमानिया की करंसी की गल करो तो 100 ली दे विच, यानी 20-19 तों 20 यूरो दे विच इंश्योरेंस हो जाता 1 महीने का। वो किदा अप्लाई करना वा ते की बहुता औखा या सौखा मैं तुहानूं दस दिंदा वा। मैं तुहानूं दसूंगा फ़ोन पर, क्योंकि मोस्टली सारे को मोबाइल फ़ोन हैगे है ना, तो लैपटॉप किसी को नहीं हुंदा, तो फिर वो बंदा सोचता यार लैपटॉप तो होना सीगा, मोबाइल तो होना नहीं है। सो इदा का कुछ नहीं है, बहुत ईजी आ। मैं मोबाइल तो तुहानूं दसूंगा कि किदा इंश्योरेंस जिहड़ा वा वो तुसीं आप बुक कर सकते, आप लै सकते इंश्योरेंस। बहुत सौखा तरीका, कोई औखा नहीं है, कोई बहुत ही वड्डी गल नहीं हैगी कि जिहड़ा तुसीं शेंगन वीज़ा अप्लाई करना वा उहदे वास्ते जिहड़ा इंश्योरेंस आ, पता नहीं किन्ने पैसे लगणगे, की होगा, की उहदा हिसाब किताब आ। बहुत सौखा इंश्योरेंस आ, किदां तुसीं बुक करना मैं तुहानूं सारा दस दिंदा वा। ये आ जी इंश्योरेंस की वैबसाइट, लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जूगा, यानी वीडियो के थले मिल जूगा, तो कमेंट दे विच भी मैं लिंक पाऊँगा इस बार, वो तां कि जे तुसीं कमेंट रीड करोगे तुहानूं लिंक मिल जूगा। ठीक आ, ते मेरे को लैपटॉप भी हैगा पर मैं लैपटॉप ते नहीं बनाऊँगा, मतलब वो मैं इंश्योरेंस करूँगा मोबाइल ते बुक। लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जूगा, तुसीं यूरो इंश्योरेंस लिख के गूगल ते तुसीं सर्च कर सकते हैं, तो तुहानूं इदां दा इंश्योरेंस मिल जूगा। आ देखो, आ सौखा तरीका, कोई औखा नहीं हैगा। सब तो पहलों आउंदा वा कि मेन डेस्टिनेशन ऑन यूरोप, मतलब तुसीं किस कंट्री का अप्लाई करना वा, जिद्दां कह लो कि आ सारे कंट्री आ। देखो अल्बानिया भी इत्थे आउंदा वा, इंडोरा, ऑस्ट्रेलिया सारा, बेलजियम, बेलारूस सारा कुछ आउंदा वा, बुल्गारिया, साइप्रस, क्रोशिया, आ सारे कंट्री इहदे विच आउंदे पए आ। ते आपां जिद्दां हुण कर लैंदे आ पोलैंड दा, आ लो जी पोलैंड कर लिया सिलेक्ट, थल्ले आउंदी आ डेट भी किहड़ी तरीक तों तुसीं स्टार्ट करना वा। आ थले आ गया वा मैप, दसंबर 15 तो लै के, तो तुसीं जे जनवरी 14 तक, दसंबर 15 तो जनवरी 14 तक 1 महीना हो जाता। वेखो अपने आप इन्हें इतने दस दिता वा, मतलब अपने आप ही शो हो गया वा भी 1 महीना 14 तक हो गया जी। आ 14 ओके करती, आ हो गया, थले आ जाता वा डेट ऑफ बर्थ, तुसीं अपनी डेट ऑफ बर्थ भर सकते हैं। तो जिदा कह लो कि आप भरती आ 93 अगस्त, तो 10 आ लो जी। जे स्टूडेंट आ तो स्टूडेंट पर क्लिक करना वा, जे तुसीं स्टूडेंट नहीं हैगा इहनूं छड्ड देना वा, गैट ए क्वाइट इत्ते आ जाना, अगे आ गए तुसीं। आ जो भी तुहाडा एज वगैरह, नो स्टूडेंट, इंश्योरेंस वगैरह सारा कुछ आ गया वा, 19 यूरो आ देख लो जी, 19 यूरो का इंश्योरेंस आ। ये यूरोप एंड शेनगन वीज़ा कंप्लीट, 60,000 की मैडिकल कवरेज आ, सारा कुछ ये आता पाया वा। ये सिलेक्ट करना वा या फिर आ 32 यूरो वाला, ये भी यही है यूरोपियन एंड शेनगन वीज़ा शेनगन वीज़ा कंप्लेंट, 1.5 लाख यूरो की जी मैडिकल एज कवरेज आती पी है। ठीक है, तो ये 500 जोड़ा वा यूरो बैगेज का इंश्योरेंस का, जो बैग गुम हो जाता वा वह भी आता पाया, तो ये 2 वा। तो इस बाद हुण तुसीं किहड़ा सिलेक्ट करना, 32 वाला या 19 वाला। 19 वाला 1 महीने का तकरीबन मैं 19 वाला ही करता हुंदा वा, 19 यूरो का जब मैं चाहता हुंदा वा, जां मैं कोई भी वीज़ा अप्लाई करता वा यूरोप का। आ कर दिता सिलेक्ट, थले देखो आ गया जी, पहलो नाम, फस्ट नेम, फिर लास्ट नेम। फस्ट नेम गुरफते, लिख लो जी गुरफते थले सिंह, गुरफते सिंह आ गया जी। तो परमानेंट रेजिडेंट जिहड़ा वा, आ देखो जी आज सारी कंट्री तो शो होन डे, जो भी आ जिन्हें भी कंट्री है सारे, तो
ਭਰ ਦੇਣਾ ਇੰਡੀਆ, ਮਤਲਬ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਾ। ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਫਿਰ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਆ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਐਸ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਰਸਨ ਇੱਕੋ 'ਤੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਥੱਲੇ ਸਿੰਘ 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 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਥ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਉਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਐਡਰੈੱਸ ਭਰਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਡਰੈੱਸ ਆ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਐਡਰੈੱਸ ਭਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਾਨੀਆ ਦਾ ਐਡਰੈੱਸ ਆ। ਲਿਖ ਦਿਓ ਬੁਕਾਰੈਸਟ, ਅਤੇ ਜਿਪ ਕੋਡ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਬੁਕਾਰੈਸਟ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ 5049। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਪ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਮਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੁਕਾਰੈਸਟ, ਅਤੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬੁਕਾਰੈਸਟ ਜਿਪ ਕੋਡ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਪ ਕੋਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟਰੀਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਪ ਕੋਡ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਪ ਕੋਡ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਲੈਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਐਡਰੈੱਸ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਟਰੀਟ ਆ ਬੁਕਾਰੈਸਟ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਬੁਕਾਰੈਸਟ। ਇਹ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਰਮਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਇਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾ, ਇਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ। ਸੋ ਬੁਕਾਰੈਸਟ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਬੁਕਾਰੈਸਟ। ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭਰਨੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਐਡਰੈੱਸ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈੱਸ ਭਰਨਾ ਵਾ, ਬੁਕਾਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਬਲੋਕ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਪ ਕੋਡ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਆ ਬੁਕਾਰੈਸਟ, ਸਟੇਟ ਵੀ, ਫਿਰ ਕੰਟਰੀ। ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਰਮਾਨੀਆ, ਰਮਾਨੀਆ ਆ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਰਮਾਨੀਆ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਓਕੇ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਰਮਾਨੀਆ। ਆ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਜੀ ਡੀ ਵੀ ਮੇਲ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਮੇਲ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਮੇਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਈ ਐਗਰੀ ਟੂ ਆਲ, ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਲ ਓਕੇ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਗੋ ਟੂ ਪੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਟੂ ਪੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਡਰੈੱਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਡਰੈੱਸ ਭਰੂੰਗਾ ਬੁਕਾਰੈਸਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਰੈੱਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਐਡਰੈੱਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, ਐਡਰੈੱਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੋ ਟੂ ਪੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੁਕਾਰੈਸਟ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਮੈਂ ਬੁਕਾਰੈਸਟ ਭਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਗਲਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਵਾ ਇਕੱਲਾ ਸਿੰਗਲ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਕੋਡ, ਆ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਬੁਕਾਰੈਸਟ ਇਕੱਲੀ ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਵੀ ਆ, ਅਲਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲਬਾ ਵਾ, ਏ ਵਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੈ ਨਾ, ਏ ਐੱਲ ਵਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਅੱਖਰ ਹੀ ਭਰਨੇ, ਹੁਣ ਬੁਕਾਰੈਸਟ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬੀ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਬੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੀ ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐੱਚ ਆਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ,
अच्छा, भरन तो बाद हूँ आ गया देख लो जी पेमेंट, आ पेमेंट आ गया वा। इतने सारा ही लिखा आ जाना वा की तुम। आ वेखो 1 महीने की इंश्योरेंस 15 दसंबर तो 14 जनवरी तक बेसिक आ, तो इंश्योरेंस परसन मेरा नाम आ गया वा, डेट ऑफ बर्थ इंडिया, पासपोर्ट नंबर आ गया वा, थले फिर मेरा फिर नाम आ गया वा पॉलिसी होल्डर, फिर मेरी मेल आ गई है, मेरा एड्रैस आ गया बुकारेस्ट का, जिहड़ा भी एड्रैस आ रोमानिया दे विच है ना, तो वो आने तो बाद प्रीमियम 19 का वा, मतलब 19 यूरो का वा। तो आ लिखा वा क्रैडिट और डेबिट कार्ड डिटेल, पहला तो जिहड़ा वा भी कार्ड होल्डर जो भी आ वो लिख देना, कार्ड का नंबर लिख देना वा, फिर एक्सपायरी डेट लिखनी आ, उस तो बाद CVV जिहड़े मगरले पासे 3 अक्षर होंगे आ, कई बार कई 6 भी होंगे पर लास्ट 3 अक्षर लिखने होंगे, वो लिखण तो बाद इतने पे कर देना वा, आ पे का ऑप्शन आ जाना वा। पे का ऑप्शन करन तो बाद विदिन 1 मिनट के तुहानू मेल आ जानी है वा, जी तुसीं मेल भरी है, जिदा हुण मैं आ जी मेल भरी है, इस मेल पर मैनू इंश्योरेंस की जी PDF आ जानी है, तो उत्ते मैं PDF मिल जानी है। तो सौखा जिहा तरीका कोई बहुत औखा नहीं है कि अपना इंश्योरेंस किदां करिए, इंश्योरेंस आ जे तुसीं यूरोप दे विच तुहानू तकरीबन सारे मैं कंट्री दिखा दिते आ जिहड़े विच वा, तो जे तुसीं किसी भी कंट्री का वीज़ा अपलाई करना वा तो तुसीं ईजीली कर सकते हैं, ये कोई वड्डी गलबात नहीं हैगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी कि किदां तुसीं वीज़ा अपलाई करना वा जां पता नहीं की प्रॉब्लम होनी है, मतलब किदां तुसीं अपना इंश्योरेंस लेना वा वीज़े वास्ते, तो कोई वड्डी गल नहीं हैगी, कोई बहुत ही औखी गल नहीं हैगी, सौखा ही मैटर आ। तो ईजी तरीके नाल तुसीं जिहड़ा अपना वा इंश्योरेंस जिहड़ा बुक कर सकते हैं यूरोप दे विच। हुण बहुते लोग जिद्दां हुण इत्थे है ना तकरीबन जिहड़े पुराने आ जां जिद्दां भी जिहड़े भी लोग आ जिन्हां नूं साल साल हो गया वा, वो ट्राई करदे आ कि वीज़ा अपलाई करिए, किसी ना किसी कंट्री का अपना वीज़ा जिहड़ा वा, किसी ना किसी कंट्री का अपना वीज़ा अपलाई करिए। सो एक सौखा तरीका वा वीज़े वास्ते, आप ही तुसीं सारी फाइल तैयार करनी हुंदी आ, बहुते कोई वड्डे चौड़े लंबे तो डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं है, इंश्योरेंस हुंदी आ, आउण जाण दी टिकट हुंदी आ, फिर जिहड़ी तुसीं जे मान लो तुसीं पोलैंड का वीज़ा अपलाई करते हैं तो पोलैंड की जिहड़ी आ अपॉइंटमेंट लैनी हुंदी आ। इस इंश्योरेंस का जिहड़ी ये वैबसाइट इहदा लिंक डिस्क्रिप्शन में तुहानूं मिल जूगा, तो तुसीं बहुत ने डिस्क्रिप्शन लभदा नहीं हैगा जां पता नहीं लगता, जिहड़े कमेंट होंगे ना कमेंटां दे विच तुहानूं मैं इहदा एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उत्ते तुसीं क्लिक करके ईजीली इसकी वैबसाइट पर जा सकते, तो ईजीली जिहड़ा वा तुसीं अपना ईजीली जिहड़ा तुसीं बुक कर सकते हैं इंश्योरेंस। सो यही सीगा इंश्योरेंस बुक करन दा सौखा जिहा तरीका, कोई बहुता लंबा चौड़ा दा तरीका है नहीं आ, तो ये इंश्योरेंस आ यूरोप विच, यूरोप वास्ते मैं तुहानूं पहलां दस दिंदा मैं, तुसीं जे यूरोप दे किसी भी कंट्री दा शेंगन वीज़ा जिहड़ा वा अपलाई करना वा ये उहदे वास्ते इंश्योरेंस आ, सौखा तरीका वा। मान लो कि तुसीं यूरोप विच जे सर्बिया तो अपलाई करना वा, अल्बानिया तो, मोंटीनिग्रो तो, जो तुसीं लिस्ट खोलोगे सारे तुहानूं कंट्री लभ जाने उहदे विच वी तुसीं किस कंट्री तो अपलाई करना वा, तो तुसीं ईजीली उस कंट्री तो वीज़ा अपलाई कर सकते हैं, मतलब उहदे वास्ते इंश्योरेंस जिहड़ा बुक कर सकते हैं। सो यही सीगा इंश्योरेंस का ईजी तरीका है, तो सस्ता इंश्योरेंस आ, 100 19 यूरो का जे तुसीं कहो तो 100 ली बनता वा, इंड जिहड़ा रोमानिया की करंसी आ 100 ली बनता वा, तो बाकी सारे आपो अपने हिसाब नाल कन्वर्ट कर लियो जे तुसीं यूरोप के किसी भी कंट्री के विचों अपलाई करना वा। बल्गारिया दे विच लेवा चलता वा, तो क्रोशिया च कूना चलता वा, अपने उस तो बाद साइप्रस यूरो चलता वा, सर्बिया दे विच सर्बियन दिनार चलता वा। सो अपने अपने हिसाब नाल तुसीं कर सकते हैं, माल्डोवा दे विच भी ली चलता वा, सो तुसीं देखना कि तुसीं किस कंट्री तो अपलाई करन लगे हैं। सो ईजी तरीका, कोई बहुता औखा तरीका नहीं हैगा कि असीं इंश्योरेंस कितना बुक करिए, जे तुसीं किसी एजेंसी कोलों जां किसी इत्थे शॉप तो तुसीं बाय करते हैं तो तुहानूं बहुत महंगा इंश्योरेंस मिलना, घट्टो घट्ट उन्होंने 25-30-40 यूरो लै लेने आ, तो ये एक ईजी तरीका वा, तो तुसीं आप ही अपने कार्ड तो ही पैसे पे करने होंगे आ, कोई ज़्यादा विच इहदे विच इशू नहीं हैगा, 1 महीने का तुहानूं इंश्योरेंस मिल जाना वा, तो तुसीं कर सकते हैं। सो यही सीगी वीडियो इंश्योरेंस ते कि तुसीं ईजी तो सौखा इंश्योरेंस कितना बुक कर सकते हैं रोमानिया दे विच जां किसी भी कंट्री दे विच जे तुसीं यूरोप का शेंगन जोन का वीज़ा अपलाई करना वा। सो यही सीगी अज्ज दी वीडियो, जे चंगी लगी लाइक तो शेयर जरूर करो। सो धन्यवाद जी सारिआं दा, थैंक यू।